कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे सर्किट रखे हुए हैं। ये सारे माइक्रो कंट्रोलर सर्किट हैं। ये हम वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। तो आपको बताते हैं इन सब अलग अलग सर्किट्स के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, कैसे कैसे यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरुआत करते हैं इस वाले माइक्रो कंट्रोलर सर्किट से। देखिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। इसे हम आमतौर पर 90 वोल्ट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, यानी 90 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के स्टेबलाइजर में हम इसे यूज करते हैं। इसमें हम तीन ऑपरेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और एक टाइमर और हाईकट के लिए यूज करते हैं। इसे हम 140 में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें 140 वोल्ट के स्टेबलाइजर में यूज करना है तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। और यानी इससे दो रिले ऑपरेट होंगी। इसमें हाईकट भी चाहे तो यूज करें, हाईकट ना चाहे तो बिना हाईकट के भी यूज कर सकते हैं। इसमें सेटिंग बहुत आसान रहती है। हमें देखिए केवल एक ही प्रीसेट से सेट करना पड़ता है। इससे हमारे सारे स्टेप्स खुद ही सेट हो जाते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। ये है, इस पर हमें काफी ट्रस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले माइक्रो कंट्रोलर सर्किट के बारे में। ये भी काफी अच्छा सर्किट है। ये भी 90 वोल्ट के लिए है, यानी इससे तीन ऑपरेटिंग के लिए यूज होंगी हमारी और एक टाइमर और हाईकट के लिए यूज होगी। और इसमें हम देखिए ये एक दो प्रीसेट दे रखे हैं। ये प्रीसेट दे रखा है, इससे हमारे स्टेप्स सेट होते हैं, यानी कि जो कट हमारा सेट होता है तो हम इसलिए इस प्रीसेट सेट करते हैं। और जो दूसरा प्रीसेट दे रखा है ये टाइमर सेट करने के लिए, यानी हम इससे टाइमर का जो टाइमिंग है वो बढ़ा और घटा सकते हैं। ये सर्किट भी काफी अच्छा है। चलिए अब इन दो सर्किट के बाद हम बात करते हैं इस तीसरे सर्किट की। ये देखिए ये थोड़े छोटे साइज का है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत अच्छी है। बहुत शानदार और जानदार सर्किट है ये। इसमें भी सारे स्टेप्स वही है जो मैंने आपको इस सर्किट के बारे में बताया था। सारे फंक्शंस वैसे ही हैं इसके। और इसमें भी आप कह सकते हो इस वाले सर्किट का और इस वाले सर्किट का दोनों का मिला जुला रूप है ये। इसमें तीन ऑपरेटिंग लिए यूज होंगे हमारी और एक टाइमर लिए यूज होगी। और फिर चाहे तो हम टाइमर यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम सिस्टम होता है। इसमें दो प्रीसेट दे रखे हैं। तो ये जो प्रीसेट दे रखा है ब्लू वाला, इससे हम इसके स्टेप्स सेट करते हैं। यानी एक बार हम सेट करेंगे सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक सेट रहेंगे। और इस वाले प्रीसेट से हम इसका टाइमर सेट करते हैं, टाइमिंग इसकी कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये हमारे तीन सर्किट होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इस चौथे सर्किट के बारे में। तो ये भी हमारा 90 वोल्ट के लिए, यानी फिर तीन ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले। इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव महसूस होता होगा। देखिए जैक इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो फिर ये डिजिटल मीटर हमने इसमें दे रखा है। ये डिजिटल मीटर हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे इससे और ये फिर बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये भी 90 वोल्ट के लिए है। हम 140 में भी यूज कर सकते हैं, टाइमर विदाउट टाइमर यूज कर सकते हैं। तो इसके भी स्टेप्स सब कुछ वैसे ही हैं। बहुत अच्छा सर्किट है ये भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस सर्किट की। ये हमारा 60 वोल्ट के लिए है, यानी हम इसे चार ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले। तो इसके लिए हम इसे यूज करेंगे। इसमें भी सेटिंग करने के लिए केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है। इससे बहुत अच्छे स्टेप्स आते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत मजबूत सर्किट है। तो खैर ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए ये जो सर्किट है ये इसका ही छोटा रूप आप बोल सकते हो। ये भी 60 वोल्ट के लिए, यानी चार ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर और हाईकट रिले के लिए है। इसमें भी दो प्रीसेट दे रखे हैं। इसमें देखिए जो ब्लू वाला प्रीसेट दे रखा है ये सेटिंग के लिए है, यानी हम एक बार सेट करेंगे हमारी सारी रिले ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। और ये जो दूसरा प्रीसेट दे रखा है ये इसमें टाइमर और हाईकट के सॉरी टाइमर के लिए दे रखा है। इससे हम टाइमर का टाइमिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये कई सारे माइक्रो कंट्रोल सर्किट हैं और सब अपनी जगह पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी। हो सकता है इनमें से बहुत सारे सर्किट आपने यूज किए हो सकता है यूज ना किए हो। खैर अगर आपने यूज नहीं किए तो आप इन्हें एक बार यूज कीजिए। बहुत ही सक्सेस सर्किट हैं और अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आपके स्टेबलाइजर की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है। हम एक सीरीज निकालने वाले हैं इन सारे सर्किट के ऊपर। एक एक करके सारे सर्किट हम आपको स्टेबलाइजर में लगा के दिखाएंगे, इन्हें चला के दिखाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सर्किट सबसे बेस्ट लगता है और आपने कौन सा सर्किट यूज किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।